हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हम सब तीसरे अध्याय में कल प्रवेश कर चुके थे, दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका था। और क्योंकि हमारे पास समय कम है और छठे अध्याय तक हमें ख़त्म करना है 7 तारीख तक, तो स्वाभाविक है गुरु जी आपको भगाएंगे क्योंकि सिलेबस भी ख़त्म करना है अभी। वैसे तो गीता ऐसा चीज है कि एक एक श्लोक पे महीना महीना निरूपण होता है, परंतु समय को रख समय में, क्योंकि ऑनलाइन भी सब पढ़ रहे हैं, सबको अपने अपने बिजनेस हैं, जॉब हैं, व्यवसाय, घर के काम हैं, तो इसको नज़र में रखते हुए हम लोगों ने ये छोटा कोर्स डिज़ाइन किया। 2 ही महीने में पूरा गीता पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जब जब ऐसा लगेगा कुछ, तो 6 से 7 का जो समय है श्लोक का, ये हम लेने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सी रिवाइज कर दूं, पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने जो सवाल पूछे तो 5 मुख्य कारण थे युद्ध नहीं करने के। कौन से मुख्य कारण थे? उनको फालतू का दया आ गया, देहात्म बुद्धि का दया आ गया, पाप का डर लगा, और क्या लगा? फैमिली डिस्ट्रक्शन। उनको वर्णाश्रम व्यवस्था मेरे वजह से कहीं टूट ना जाए, इसका डर था। फिर इनडिसिसिव थे, निर्णायक नहीं, निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे। और पहला और दूसरा और एक था, और क्या था? एंजॉयमेंट, भोग। कि जब भोग ही करना है तो इनको मार के मैं भोग कर ही कैसे पाऊंगा। इसके जवाब पे भगवान ने दूसरा अध्याय में ज्ञान देना चालू किया। और पहले ज्ञान देने के लिए क्या किया उन्होंने? सबसे पहला चीज कौन सा ज्ञान दिया? आत्मज्ञान। एक भगवान एक ही बोलो फाइनल चीज दे देते हैं। देखिए भगवान है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है भगवान, छोटा छोटा छुपा छुपा चीज नहीं करते हैं। जो है सीधा बात, सीधी बात, नो भगवान। भगवान ने सीधा बोल दिया कि बेटा तुम जो सोच रहे हो तुम हो ही नहीं, तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम हो ही नहीं, जो तुम हो वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम बद्ध हो। ये जो शरीर है ये बद्ध अवस्था है, ये बदलती रहेगी। और तुम किस शरीर के लिए शोक कर रहे हो? ये तो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। न तुम मरे थे न मरोगे, न तुम मारते हो न कोई मरता है। तो ऐसा ज्ञान दे दिया। वो बोला रे आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आपने जो बीच में बोला ना कि बुद्धि से ही ये सब हो जाएगा, तो बस बुद्धि से मैं समझ लूंगा मार रही है, काटा काटी एक्टिविटी करने की क्या जरूरत है। तो क्रिया, ये आपके मोबाइल में कुछ है क्या? मक्खी उधर एग्जैक्ट आके बैठता है, कुछ तो नहीं लगता उसको खास और लाइट उसको दिखता है ना। अच्छा, इसलिए नहीं, पीछे कहाँ लाइट है? पीछे तो इसके उपलक्ष में भगवान ने कहा, भगवान ने क्या किया है अभी? अब जो तीसरा अध्याय है उसमें भगवान अर्जुन की उन शंकाओं को दूर करेंगे। रहे तो उसके ऊपर डालोगे तो फिर वो ब्लर आएगा। अभी हाँ साइड से डालो। तो बस हो गया। तो उन्होंने अर्जुन की जो शंकाएं हैं, अर्जुन का जो विषय था तीसरे अध्याय में, वो पूछते हैं कि आपने मुझे बोला बुद्धि योग, और आप में से जो रेगुलर मेरा लेक्चर अभी सुन रहे हैं उन्हें ये समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं बोर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सोचा हूँ कि ये गेटअप इतना पेंटिंग किया है तो थोड़ा इस्तेमाल होना चाहिए इसका लाभ करुणा तरफ अकेले क्यों उठाएं, तो सोचा मैं भी थोड़ा इसका लाभ उठा लेता हूँ। ये पेंटिंग हमारे कुक हैं, राधा रमन प्रभु, उन्होंने किए हैं, बंगाली हैं, बहुत सुंदर उनका आर्टिस्टिक माइंड है। उनके घर से ही स्कल्पचर, आयुर्वेद, ये उनके घर से ही है। उनको सारी जड़ी बूटी हम बताएं कौन से क्या खाने से क्या होता है, विद्वान है। तो अर्जुन ने जो सवाल पूछा कि प्रभु आपने बुद्धि योग बता दिया मुझे, और अर्जुन का मानना था कि बुद्धि योग मतलब बुद्धि में समझ के सब हो गया, मैं स्थित प्रज्ञ हो गया। उनका अंडरस्टैंडिंग क्या था स्थित प्रज्ञ का? एक जगह बैठे स्थिर हो जाओ वो स्थित प्रज्ञ को स्थिर प्रज्ञ समझ बैठे थे कि बैठे रहो बस, हिलो डुलो नहीं। तो भगवान अब जो है जितनी भी भ्रांत धारणा है उनका खंडन करेंगे। तो तीसरे अध्याय का कल मैंने आपको ब्रेकअप बताया, क्या क्या ब्रेकअप है क्या चल रहा है ना, उसमें कुछ टच मत करो, ज्यादा जो है उधर टच करो। तो तीसरा अध्याय के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। पहले भाग में क्या है? 1 से 9 श्लोक में कर्म संन्यास, अर्जुन का जो सवाल है कर्म संन्यास करूं प्रभु मैं कि कर्म योग करूं? प्लीज बताइए, आपने ही पहले बोल दिया कि छोड़ दो चित्त प्रज्ञ हो जाओ,
मेरा जो जीव है वो इंद्रियों के लपड़े में गिरता नहीं, वो सिर्फ आत्मा की तरफ उसका बुद्धि लगाता है, और यहाँ आप कह रहे हो लड़ो तो अभी मैं दोनों कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान उसकी व्याख्या कल किए थे और उसको बताए थे कि ऐसे व्यक्ति जो जो आप आत्मा की तरफ करो तो सारे इंद्रियों को भी उस एंगल से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आत्मा कभी भी बिना कार्य के नहीं रह सकती, और अगर तुम बिना कार्य के रह गए तो तुम क्या कहलाओगे, मिथ्याचारी। मतलब तुम निष्काम कर्म योग करने से डरोगे, और निष्काम कर्म योग किए बिना ज्ञान की स्थिति और भक्ति की स्थिति पे पहुंच जाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, जो हृदय में शुद्धिकरण होना था, जो तुम्हारे चित्त में शुद्धिकरण होके ज्ञान की अवस्था आनी थी वो नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो तुम झूठो मूठो का सन्यासी बनोगे। देखो घर से परेशान हो जाना ये सन्यास का क्वालिफिकेशन नहीं है। सन्यास का क्वालिफिकेशन क्या है, सन्यास का क्वालिफिकेशन है जब आप उस ज्ञान में स्थित हैं। ऐसे रोज फोन आते हैं हमको, प्रभु जी मैं पति से परेशान हूँ, कोई बोलते मैं पत्नी से परेशान हूँ, कोई बोलते हैं माँ से परेशान हूँ, कोई बोलते हैं स्टूडेंट हूँ, मेरे घर वाले तो बोलते हैं अब तुम आईएएस बन जाओ, आज सर मेरे को तो मैथ्स और साइंस नहीं आता है। तो मतलब ऐसे हो गया ना कि मुर्गा को अंडे देने के काम करवा रही है दुनिया, मुर्गी देते तो ठीक है, तो मुर्गा को भी अंडा देने का प्रेशराइज्ड करवा रहे। तो संसार में सब परेशान है, तो क्या सब सन्यासी बन जाएंगे, नहीं। आपको अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने चित्त को उधर से अनासक्त रूप से रखते हुए अपने चित्त को किस में लगाना होगा, आत्मा और भगवान में लगाना होगा, मत परहा भगवान में लगाना होगा जो सबके संचालक है। तब क्या हो जाएगा, मद प्रसादात, उनके कृपा से ये सब नियंत्रण में भी आ जाएगा, कार्य भी हो गया, जो बाहर का कार्य है वो भी हो गया, उसकी वजह से भी किसी के नुकसान होने का सवाल नहीं है। तो ये बात अभी आने वाला है, अभी वाले सेक्शन में, अभी नहीं थर्ड सेक्शन में आएगा, जो मैं 9:30 दूंगा उसमें आएगा। तो भगवान अब क्या इतना बता दिए कि मिथ्याचारी मत बनो, तुम यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचरः। ये किया था हमने, ये कल का लास्ट श्लोक था। तो यज्ञ के लिए करो, तो यज्ञ कौन है, विष्णु। यज्ञो वै विष्णु, कहा आता है यज्ञो विष्णु, तैतरेय संहिता 1.7.4 में आता है। हाँ, तो जो भी ऑनलाइन ड्यूटीज आप चिंता मत करिए, जब मेरे 6 अध्याय हो जाएंगे तो ये सारे नोट्स को स्कैन करके आपको भेज दिया जाएगा। एक्चुअली चैलेंज स्कैन करके भेजना नहीं, चैलेंज आपको मेरा हैंडराइटिंग समझना है। हैंडराइटिंग समझ गया तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि यज्ञ के लिए सब कार्य करो तो क्या हो जाएगा, मुक्त संग समाचार, जो तुम इतनी खुशियां खोजने के चक्कर में फंसे पड़े हो उससे तुम मुक्त हो जाओगे। अब भगवान जो है यज्ञ क्या है इसके ऊपर अगला कर्म कांड से कर्मयोग की तरफ इस ज्ञान को लेके जाएंगे। वो श्लोक 10 से 16 कितना, 10 से 16 होगा जो हम अभी के सत्र में समझने का प्रयास करेंगे, और 9:30 वापिस जो क्लास होगा 9:30 से 11 उसमें 17 से 35 जो है जहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब तुम निरासक्त भी हो जाओ फिर भी कार्य को करते रहो, क्योंकि नीचे वाले उसे आदर्श के रूप में देखते हैं, अर्जुन तुम ही नहीं तो अपितु मैं भी ये सब करता हूँ। और अगर तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी चेतना ऊंची होगी और कोई छोटा उसको हिलाओगे है मत करो ऐसा बकवास है, और उसको ऊपर नहीं उठा पाओगे तो बीच में ही लटक जाएगा, तो ऐसे मत करो, दया करो परंतु उसके स्थिति से उसको उठाओ। और भगवान यही कार्य अर्जुन के साथ कर रहे हैं, अर्जुन को सीधा, अब देखो जैसे हमारे मंदिर में कोई प्रेसिडेंट होता है उसको कोई बोलता है प्रभु ब्रह्मचारी बना देता हूँ, आ जाओ उसको क्या एक लाल सेट जोड़ा देना है, पर पता चला वो सन्यासी बनता ही नहीं, लाल कपड़ा पहन के वो एम्प्लॉय की तरह काम करता है, बुक टेबल पर बैठा बस, हाँ आप 2 रुपये आपकी गीता लीजिए, मैंने आज इतना कलेक्शन किया, मैंने इतना पैसा कमाया, उसको ये लगता है। उसकी चेतना में क्या आ जाता है, जो पहले वाला चीज था वही आ जाता है। तो बीच में जो कर्तव्य नहीं करके आया है और जो साक्षात्कार उसे नहीं हुआ है उसके, वो मराठी में बोलते हैं कच्चा लींबू, क्या बोलते हैं मराठी में बोलते ना, कच्चा लींबू पक्का लींबू है ना, कच्चा लींबू, कच्चा लींबू में वो टेस्ट नहीं आता है, वो खटास नहीं आता है, जो पका लींबू होता है उसमें एकदम मस्त नींबू पका होना चाहिए, कच्चे में क्या होगा कुचुर कुचुर आधा खट्टा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है,
तो जीवन में कच्चा लींबू नहीं होना चाहिए। जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी परिस्थिति भगवान हमें सामने देते हैं, उसे खुशी खुशी पार करना चाहिए। कंपेयर नहीं करना चाहिए, अरे इसके साथ ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसका अच्छा हो रहा है, मेरा ही क्यों बुरा हो रहा है। प्रॉब्लम ये कि आपके साथ अच्छा भी हो रहा होगा तो आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि आप स्वार्थी हैं। क्या है? स्वार्थी, स्वार्थी। लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, होमलेस है लोग, फुटपाथ पे सोते हैं। कईयों को तो खाना नहीं मिलता टाइम पे, खाना तो सबको मिलता है लेकिन टाइम पे नहीं मिलता। कोई सर प्लेट में गरम गरम लाके नहीं देता है, आइए खा लीजिए, प्यार से कोई नहीं बोलता है। या हमारी माँ बोलती है बेटा खा लो, गरम गरम पकौड़े तल देती है, तुम्हें ये पसंद है तो वही लाके देती है। हम उसे बोलते भाग के, वो जिसको मिलता है वो गाली देता है, पत्नी सुबह से उठ कर लीजिए नाश्ता लीजिए ये करिए, तो उसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो भगवान बोलते जो मिला है ना उसको तूने अंडर एस्टिमेट किया है ना, तो बेटा जो तुझे मिलना था वो भी नहीं देंगे। अब तू देख, प्रकृति तो भगवान के अंडर ना है, भगवान ऐसा डिजाइन किए हैं बेटा कि उसको वो करोगे आप, अज्यूम क्या होता है, प्रिज्यूम करते रहोगे कि आई डिजर्व इट, तो भगवान ठोक देते हैं। तो हमको कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा खुशी मनाना चाहिए कि जो मिला है वो किसकी कृपा से मिला है, भगवान। तो एक एक चीज को हमें वैल्यू करना चाहिए, एक एक चीज को, तब हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट इवन भौतिक जगत में भी अगर जीना है तो ये एक सिंपल प्रिंसिपल है। तो आध्यात्मिक विद्या मिली है तो उसको चीपली नहीं लेना है, हमें उसे ये सोचना चाहिए कि ये मौका वापिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तभी हम प्रवेश करेंगे दसवें श्लोक में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण तो दसवां श्लोक आप खोल सकते हैं। 10 से 16 भी क्या आने वाला है, कर्म कांड से कर्मयोग। अब भगवान क्या करने वाले हैं अर्जुन को, देखिए अर्जुन शुद्ध भक्त है परंतु अभी वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एक बद्ध जीव का रोल प्ले कर रहा है। तो बद्ध जो जीव है ना उसके अनेक धारणाएं हैं, मनोरथे नासति धावतो भयो, सर्कल ही नहीं बना है उसका, भक्ति का, निष्काम का, सकाम का, कर्म कांड का, ये फिर भी मनुष्य योनि के काम है। वो उसके बाहर ही घूम रहे असंख्य स्पेस में, असंख्य जीव इसके बाहर ही घूम रहे, इस चेतना के बाहर। वो यही सोच रहे हैं कि जो मन में आया, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट खाया, उसको जो मन में लगा वो कर रहा है, उसको लग रहा है ऐसे सोना है ऐसे सोना है, ऐसे उठना है ऐसे उठना है, इसको मारना है इसको मारना, मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरा बस मैं ही हूं सब कुछ। तो उसका पूरा केंद्र बिंदु खुद के ऊपर होता है, लेकिन असली केंद्र बिंदु जब उसको पता चलता है कि वो अकेला केंद्र बिंदु नहीं है, वो समय में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो धक्का खाएगा, ऐसे थोड़ी हम इसको मारेंगे तो इन्हें ऊपर मारेगा, क्यों मारेगा। आप सोचने में मुख फ्री है लेकिन प्रकृति फ्री नहीं करेगी। अब अर्जुन को ढकल दिया सबसे नीचे वाले ने, बोलते बेटा तू कर्मकांडी, मतलब कर्मकांडी ही है समझे, तू भोग की ही आशा कर रहा है, क्योंकि अर्जुन तो आर्य है ना, आर्य है मतलब कल्चर्ड है, जो वेदों को मानते हैं उन्हें आर्य कहा जाता है, और ऐसे कल्चर को जहां रखा जाता है उस आर्यवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्यवर्त। तो आर्यवर्त तो तथाकथित जो आज हमारा भारत है, इंडिया है, वो आर्यवर्त कहलाता है शास्त्रों में। लेकिन सब जगह धर्म की स्थापना की वजह हर शहर में पापी हो रहा है, तभी गाँव गाँव में जहाँ खुटाम में गुरुकुल हम लोग खोल रहे हैं यही आर्यवर्त है अभी, ठीक है ना, जहाँ लोग आर्य की तरह जीते हैं, कल्चर्ड जीते हैं, सिविलाइज्ड मैन। तो कह रहे हैं कि आप कर्म कांड कर रहे हो, तो अगर आप कर्म कांड भी कर रहे हो तो वो किसके लिए जाएगा, देवी देवताओं के लिए, उसका वो जाना चाहिए, क्योंकि आपको किसने दिया है, मुझे छोड़ो ईश्वर को छोड़ो, किसने दिया है, देवी देवताओं ने तो दिया ना, पहले निमित्त में तो देखोगे ना पहले किसने दिया नजदीक से देवता, तो उनको ऑफर करो। फिर बोलते हैं लेकिन अर्जुन मेरे जो भक्त है ना वो मुझे ऑफर करते हैं। तो भगवान बार बार ना उसको थोड़ा भक्ति का भी टिंज पिन मारते रहते, बोले ये तो बीजू जो क्या बोल देता है। तो भगवान अब दोनों एंगल से बता के ये 6-7 श्लोक हमें समझाएंगे।
सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवो अस्त्वि दिक्कामदृक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ में से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो पहले जो प्रजापति हैं, तो प्रजापति दो लोगों को कहा जाता है। किन किन को कहा जाता है? एक ब्रह्मा जी को कहा जाता है, एक भगवान विष्णु को भी कहा जाता है प्रजापति। आएगा उसका प्रमाण आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रपद जो है वो विष्णु को डिनोट करते हैं और विष्णुचार्य ठाकुर ब्रह्मा को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वो क्योंकि यहाँ कहा गया ना, जाओ विष्णु के पास जाओ, तो इसलिए वो कहते हैं ये ब्रह्मा जी ने कहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये सब हमारे ऊपर है, तो जिसने भी कहा है वो सुनना जरूरी है। ने क्या कहा है कि जाओ विष्णु के लिए यज्ञ, तो क्या करो, सृष्टि के प्रारंभ में प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, यानी मनुष्य और देवताओं को रच दिया। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? यज्ञ करने के लिए। और उससे क्या होगा? आपको जो भी इच्छाएं हाँ वो सारी पूरी हो जाएंगी और आप यहाँ पे भी सुख पूर्वक। भैया तुम ब्रह्म ही जीना चाहते थे ना, तो जो सुख चाहिए तो वो भी ऐसे नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि मैं पेड़ काट दूंगा मैं सुखी हो गया, नहीं, आप पेड़ काटते जाओगे टेबल और फर्नीचर, आपको लगता है टेबल और फर्नीचर एकदम चकाचक होगा ना तो हम सुखी हो जाएंगे, तो आप सारा जंगल काट के टेबल फर्नीचर बनाओगे, बाद में पता चला ऑक्सीजन नहीं है तो वेंटिलेटर लगा के ब्लैक फंगस से मर जाओगे। तो अकल होना चाहिए कि लकड़ी कहाँ लगाना है, यज्ञ करके कहाँ जाता है। उठी आजकल जो मूर्ख लोग हैं उन्हें पता नहीं रहता कि यज्ञ यहाँ कर रहे हो जाता कहाँ है। उनको बोलते हैं इसमें घी क्यों डाल रहे हो, घी इसमें डालो। अरे ज्यादा घी भी खा लिया तो क्या होता है, ज्यादा तो पेट ठीक से साफ होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, वो तो कोई काम का नहीं है, वो तो थोड़ी देर का काम है। उसमें डालोगे तो आहुति देवताओं को जाएगा, देवता टाइम पे बारिश डालेंगे और तुम्हें एम्पल ऑफ खाना आते रहेगा और उसमें घी भी आ जाएगा। तो मूर्ख हैं लोग, अज्ञानी है, वो समझते नहीं है यज्ञ है क्या। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये सृष्टि इसके लिए रची है। तो अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद क्या कहते हैं। तो जो वैदिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो वैदिक का कोई भी अनुष्ठान होता है उसका मूल होता है कि कैसे तैसे भगवान की तरफ आपको खींचा जाता है। आप प्राणी की तरह जी रहे हो लेकिन धीरे धीरे आपको कहाँ खींचा जाता है? भगवान की तरफ खींचा जाएगा। यज्ञ करते करते क्या होगा, कर्मकांड करते तो कौन है विष्णु? तो जैसे होता है ना कि कई बार लोग गुरुकुल में भी आते हैं ना, तो पहला पूछते हैं लीडर कौन है। हमारे कई गुरुकुल के बच्चे होते हैं, नए बच्चे आते हैं ना, उनका रहता है कि अरे सुबल प्रभु सीनियर है, करुणावतार प्रभु सीनियर है, ये सीनियर है। नहीं नहीं नहीं, जब केशांत्रु आते हैं ना तो उनका बात सुनते हैं, मतलब केशांत्रु सीनियर है। फिर वो देखते हैं कि अरे केशांत्रु बोलते हैं लेकिन दासगर बाबू जो बोलता तो वो हो जाता है, इनका कभी दासगर बाबू केशांत्रु डांट देते तो दोनों में अब कौन सीनियर है। तो एक लड़का मेरे पास आके पूछता है, एकदम नजर गए, प्रभु जी पूछे पूछो आप दोनों में सीनियर कौन है। तो मैंने बोला इधर तू ये पॉलिटिक्स कर रहा है क्या। तो जब यज्ञ करते करते पता चलता है मैं आहुति देवताओं को दे रहा हूँ, ये थोड़ा देते हैं, पता चलता है कि देवता खुद ही जब परेशान होते तो कहाँ जाते हैं? विष्णु के पास, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो ये विष्णु है, अच्छा महाविष्णु खुद कृष्ण को बुलवा लेते हैं दर्शन लेने के लिए, तो ये कौन है? तो ऐसे करते करते क्या, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15वां अध्याय का 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी वेदों में जानने योग्य कौन है? मैं हूं। और ये वेदों को बनाने वाला भी कौन है? मैं ही हूं। आगे जब हम लोग कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ना और क्रिएशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह विष्णु ही है। कृष्ण विष्णु है, कृष्ण तो भगवान है, ब्रह्म ज्योति क्या है, उन्हीं की निराकार शक्ति है। आध्यात्मिक जगत किससे बना है? उन्हीं के चिन्मय शक्ति से बना हुआ है। जीव कौन है? उन्हीं के अंश है। ये जो भौतिक प्रकृति है भगवान की छाया शक्ति है, छाया जैसे आप है तो मेरी यहाँ छाया गिर रही है, कहीं पे गिर रही होगी छाया,
तो वो भगवान की छाया शक्ति है, मतलब किसकी है, भगवान की है। वो भी तब एक्टिवेट होती है जब उसमें महाविष्णु प्रवेश करते हैं। फिर महाविष्णु देखते हैं कि अब हर ब्रह्मांड बनाना है, तो ब्रह्मांड बनाते हैं, उसमें भी वो क्या बन जाते हैं, गर्भदक्षा विष्णु। तो ब्रह्मांड को चलाने वाले भी कौन है, गर्भदक्षा विष्णु है। फिर देखते हैं अब ये जीव मनमानी करेगा तो प्रकृति को काम करवाने के लिए, फिर हर हर जीव के साथ वो शिरोदक्षा विष्णु बन के घूमते हैं परमात्मा। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद आदि पुरुषम तमम बजाने, हर कण कण में फिर वो है। बच के कहा जाओगे, सब जगह तो विष्णु वही है। तो ये यज्ञ का गोल है। फिर महानारायण उपनिषद में आता है 13.2 में, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम He is master of universe and lord of the soul. ये प्रमाण आता है भगवान के बारे में। विष्णु पुराण में भी आता है, कहते हैं विष्णु पुराण 1.15.57 ब्रह्म प्रजानाम पतिर अच्युतो असौ, ब्रह्मा द मास्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज अच्युता, प्रजापति की बात की है ना, वो अच्युत है। भगवान कौन है, भगवान। तो बलदेव विद्याभूषण विष्णु को रेफर करते हैं, प्रभुपाद भी रेफर करते हैं प्रजापति को। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में प्रजापति ही लॉर्ड विष्णु आता है। तो उसमें कहा गया है, अब मेरे को लगता तात्पर्य में भी है, है कहाँ, देखिए यहीं पे तात्पर्य में, उसी में, इसी श्लोक के तात्पर्य में मिलेगा। हाँ कोई तो, हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो यहाँ पे भी लिख के दिए। तो भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में आता है, लेकिन वो इधर तात्पर्य में भी दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं सब लोग साथ में। श्री यहापति यज्ञापति प्रजापति हियापति लोकापति धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम ने भगवान सताम पति। हम लोग ऐसे मंत्र बोलने बड़ा मजा आता, नहीं समझे ना समझे। ये वेद मंत्र बोलने में क्यों आनंद आता है मालूम है, क्योंकि किनके मुख से आया ये, भगवान के मुख से, वो वाणी में अपने आप ताकत है। तो ये कह रहे हैं मे लॉर्ड कृष्ण हु इज वर्शिपेबल ऑफ ऑल डिवोटीज, वर्शिपेबल लॉर्ड ऑफ ऑल डिवोटीज, सभी भक्तों से पूजनीय है, सताम पति ही द प्रोटेक्टर एंड द ग्लोरी ऑफ ऑल किंग्स लाइक अंधक वृष्णि, हस्बैंड ऑफ ऑल गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून, सभी लक्ष्मियों के पति हैं। लक्ष्मी एक नहीं है, कितने हैं, अनेक है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि, भगवान के असंख्य अवतार हैं और असंख्य अवतार में माता लक्ष्मी विस्तार करते रहती हैं। डायरेक्टर ऑफ ऑल सैक्रीफाइसेस, सभी यज्ञों के पति, लीडर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, कंट्रोलर ऑफ इंटेलिजेंस, प्रोप्राइटर ऑफ ऑल प्लैनेट, सभी ग्रहों के वो मालिक हैं, स्पिरिचुअल एंड मटीरियल एंड सुप्रीम इंकारनेशन ऑन अर्थ, बी मर्सीफुल अपॉन मी, मुझ पर कृपा करिए। इस प्रकार से क्या पता चलता है, प्रजापति कौन है, यज्ञों के मालिक कौन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कलयुग में है ना, बाकी यज्ञ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, करता है ना, क्यों काम नहीं करेगा, यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण नहीं है। यज्ञ करने के लिए अगर आपको करना है तो शुद्ध चीजें चाहिए, जो मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसके अलावा जो ब्राह्मण अच्छे से उच्चार कर पाए वो मिलना मुश्किल है। आजकल के ब्राह्मण घी डालिए और मुंह का ठाकुर डालिए उसमें हाथ जोड़िए, हाँ बोले। कभी कभी तो इतने पानवन नहीं खाते, लेकिन फिर कभी कभी खैनी खा के आ जाते। थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि उनको एक ही दिन में 10-10 पूजा करना पड़ता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। नहीं वैसे कई कई ब्राह्मण बड़े शुद्ध होते हैं एकदम, जो ऐसे बहुत सारे तेजस्वी ब्राह्मण मैं देख चुका हूँ जो बहुत पावरफुली सब करते हैं, उनके इफेक्ट भी आता है। और मतलब मुझे आज भी याद है, हमारे एक फैमिली है, उन्होंने उनके बेटे का शादी करवाया, तो शादी के समय जो ब्राह्मण आए थे तो उन्होंने बोला कि आप, मैं ऐसे बहुत सारे शादी करवाए हूँ लेकिन आप लोग का घर पे आने पर ऐसा लग रहा है, लॉकडाउन में करवाया था ना तो थोड़ा छोटे में करवाया था, तो बोले कि ऐसा अलग ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ, आप बोले हाँ हम लोग भक्त हैं, हम लोग हरे कृष्ण जपते हैं ऐसा ऐसा। अच्छा तो आपके कौन है गुरुजी, तो मेरा नाम लिया तो वो वीडियो दिखाया, बोलते इनका गुरुकुल चलता है ऐसा ऐसा, बोलते आप जो भी दक्षिणा मुझे देना चाहते हैं वो आप गुरुजी को गुरुकुल में दे दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि
मेरा ये तो मेरा चलो अधिकार है दक्षिणा लेना, लेकिन मैं वैसे जगह देखे मैं भी कुछ वो करना चाहता हूँ, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूँ। तो देखो ऐसे होते हैं, सजग ब्राह्मण भी होते हैं, तो ब्राह्मण का काम भी है। तो आजकल कलयुग में प्रॉब्लम क्या है कि ब्राह्मण लोग अपना कुछ तो ब्राह्मण नॉनवेज खाने में लग गए हैं, कुछ ब्राह्मण सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोडिंग करके पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जो तुम लोग एंड्रॉयड कर रहे हो ना टच एंड गो, ये चाइनीज लोगों का काम नहीं है, भारत के ही ब्राह्मण विद्वान लोग बैठे हैं यूएस में और यहाँ वहाँ जाके कोडिंग लिख रहे हैं बैठ बैठ के। जो भारत में लाल आंख करके बैठ रहे थे ना 18 घंटा, ये ब्राह्मण बुद्धि है लेकिन असुर शक्ति में लग चुका है। कहाँ लग चुका है? बचाए भगवान इन सबको। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सब यज्ञ अभी संभव नहीं है। तो अब कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। तो ऐसा भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में 32 लिखा है। तो ये ना मेरे को लगता है ये मैंने तो मैंने ओल्ड वर्जन से पढ़ा इसलिए शायद होगा। ये कहाँ 32 लिखा है? उसी के कृष्ण वर्णम 32 है। वो खोल के देखो 32 में कि 29 में ऑनलाइन। ये जो श्लोक है कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, क्योंकि मैंने ओल्ड वर्जन का गीता से रेफरेंस लिखा था। 32 होगा तो 32 है, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। कि कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकीर्तन यज्ञ का पालन करेंगे, और संकीर्तन मतलब सब लोग साथ में नाचेंगे गाएंगे। 32 है ना? ठीक है, पेन देना एक बार। ये मैंने ओल्ड वर्जन में से लिखा था, तो ये 32 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है सयज्ञ को सहयज्ञ कर दिया गया है। तो इसको अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण 6.3.82 के हिसाब से वोपसर्जनस्य इस नियम के हिसाब से किया गया है। ये सिर्फ लिख लो, काम का तो है नहीं, आपको समझेगा नहीं, हो सकता मुझे भी नहीं समझेगा। चलिए कीर्तन करते हैं, थोड़ा सा संकीर्तन यज्ञ किया जाए, ठीक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कर सकते हैं नहीं, समय कम है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कलयुग में यज्ञ करना है तो कौन सा करना होगा? तो ये हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्योंकि आप बाकी यज्ञ तो कर नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि आपको क्या करना है। चलो 11वां खोलिए, अर्जुन को बताया जा रहा है कि इस श्लोक में क्या बताया 10वें में कि प्रजापति ने जाके सबको बताया कि जाओ देवी देवताओं को और मनुष्यों का उत्पत्ति कर दिया है, उसी में आप लोग सुखी रहो जाओ। जैसे छोटे बच्चों को खिलौना नहीं देते हैं, मम्मी मम्मी तो किचन में डिस्टर्ब ना करो, तो खिलौना देते जाओ खेलो।
तो लेकिन इससे क्या है, इस खिलौने में एक सत्य है, वो खिलौना देख के उनको नकली गैस दिया जाता है, नकली सिलेंडर दिया जाता है, नकली रोटी मेकर दिया जाता है, लेकिन वो नकली से क्या पता चलता है कि वैसे ही कोई चीज असली है। तो वो खोजेगा, ये तो नकली है तो फिर असली कौन सा है, तब वो आएगा। तो अभी अभी जो यज्ञ दिया है किसके लिए दिया है, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए दिया है, लेकिन उसी में पता लगा ये चीज है तो ओरिजिनल चीज भी होगा। तो ये कहा गया है, देखिए फिर ग्यारहवां खोलिए। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेयं परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। मतलब आप मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें घी देता हूं तुम मुझे घी दो। मगर आप ये यज्ञ नहीं करोगे तो आपको वो यज्ञ करना होगा। वो तो तप करने से तो आप बचोगे नहीं, तो सही जगह करो। दान करने से आप बचोगे नहीं, दान तो करना ही है। अब आप बोले कंजूस आदमी कब दान करता है, हाँ डॉक्टर को दान करता है जब बीमार गिरता है तो, और कहाँ दान करता है, अपने रिश्तेदारों को दान करता है। कंजूस है समझो, नहीं भी देगा रिश्तेदारों को, हाँ लॉयर्स को कंजूस है, बचाना पड़ेगा ना, कोई केस कर देगा तो बचाना होगा, लिटिगेशन डाल देगा तो आप किस लॉयर्स को दीजिएगा। सबसे बड़ा दान करता है वो कंजूस, एक्चुअली सबसे बड़ा दान ही है क्योंकि वो खर्च नहीं करता, वही उसको नहीं, मरते समय सब देखे जाता है। ये दानी आदमी पहले ही बांट देगा ना तो ना जाते उसका बहुत कम होगा, मरते समय फुल चैरिटी करके जाता है। ज्यादा बचाइएगा तो क्या होगा, एक ही बार पूरा। तो दान तो आपको करना ही है, तो सही जगह दान करिए, यज्ञ में दान करिए, ब्राह्मणों को दान करिए। मैंने देखा है कई लोग कंजूस होते हैं, मतलब ऐसा पंडा लोग आ गए ना कहीं तीर्थों में, जो देखते हैं मेरा छीन लेगा। मैं देखा हूँ लोग ऐसा पति पत्नी भगवान हमको इनको नहीं देखना है। जैसे जगन्नाथपुरी में जाइए तो पंडा लोग क्या करते हैं, आते है टुक करके उनके दो लाठी होता है ऐसा मारेगा, एक्चुअली लाठी नहीं मारते, वो बहुत प्यार से लगता है चिटक, तो ऐसा दो अंदर में द्वारपाल की तरह लेते हैं। हमारे लोग है ना इतने जान दो क्या बोलो ऑनलाइन में, अरे तुमको 10-20 सौ रुपए देने में क्या प्रॉब्लम है, उधर मेकअप में क्रीम लगाने के लिए 500-1000 का क्रीम लगा रहे थे, लोथ पोत करके भूत जैसे दिखते हैं, यहाँ पंडा 100 रुपए दे दोगे, यहाँ दोगे तो कभी क्रीम नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा मुक्त हो जाओगे। जगन्नाथपुरी में है ना मुक्ति मंडप, वहाँ ब्राह्मण लोग बैठते हैं, उनको पांव छू लोगे और दान दे दोगे तो आपका मुक्ति गारंटीड। लेकिन हम सोचते नहीं, ये पंडा अगर 1 घंटे में 100 लोगों का 10-10 रुपए लेता है, 1000 होता है, ये 12 घंटा बैठता है, दिन में 12000 कमाता होगा, 360000 रुपया इसका महीने का होगा, साल का इतना होगा, टैक्स भी नहीं भरता है, TDS भी नहीं कटता है, मैं नहीं दूंगा। ये आपका सोच है, वो पंडा को उतना मिलता ही नहीं, वो आप सोचते हो। क्योंकि वो आगे कंट्रोलर भगवान जगन्नाथ जी हैं। तो हमारी जो निम्न सोच है ना वैसी नहीं होनी चाहिए। दान करो, अब जा रहे हो ना तीर्थ में तो पॉकेट में जितना लेके जा रहे हो खत्म ही करने के मूड में जाओ, ये नहीं कि बचाना है मैं दर्शन ले लूंगा, लेकिन हमारा आधा टाइम तो उनसे बचने में रहता है। दे दो, जब खाली हो जाओगे ना, मंदिर में क्यों भगवान ये सब रखते हैं बताओ, भिखारी को रखेंगे कहीं तो पीछे पड़ जाता है, और आपने एक को 10 रुपए दे दिया ना तो उसका गैंग रहता है, उसको बदल देने वाला है। फिर तो हुआ वो जिसका कपड़ा फटन हुआ करके आ जाते, सब आ जाते, और ऐसा करते तीर्थों में देवी देवता आते हैं वैष्णव का स्पर्श करने के लिए, ऑर्डिनरी मत समझो, देवी देवता आते हैं। तो जो है वो दे दे के देके आना चाहिए, क्योंकि तीर्थों में हमें क्या होना चाहिए, खाली होके आना। जब ये सब चीजों से खाली हो जाओगे, भगवान देखे बेचारा खाली हो तो आपके अनर्थ भी भगवान खाली कर देंगे, लेकिन तो पैसा बचा के जा रहे हो, मतलब तुम अनर्थ वापिस लेके जा रहे हो, बात समझे। जैसे डॉक्टर को पैसा दोगे तब वो ट्रीटमेंट करेगा, उसको पता चले पैसा नहीं देने वाला है तो झुट्टो मुट्टो का एक तो व्हाइट टेबलेट देके भेज देगा। जा फिर, उसको मालूम है कहीं भी जाएगा तो किसी डॉक्टर को ही देगा ना, तो मेरे धंधे वाले सब। तो ये ब्राह्मण लोग बोलते थे दान नहीं दे रहे तो क्या, अच्छा तुम दान दे दो, ऐसे नहीं कि वो कोई बंगला बनाते हैं ब्राह्मण,
ब्राह्मण कहाँ इस्तेमाल करते हैं? भगवान की सेवा में। बताओ तो कौन है जो 56 भोग लगाता है इतने बड़े बड़े मटकों में? कौन से घरों में लगता है? किस आदमी को लगता है? अंबानी के घर में भी सब नहीं लगता खुद को, लेकिन आज कितने वो जगन्नाथपुर के सारे पंडा सब इतना भोग बनाते हैं, स्वच्छता रखते हैं और इतना सबको खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है। एक बार हुआ था ब्रिटिशर लोगों ने बोला कुछ, तो बीच में गवर्नमेंट का भी हुआ था कि हम ओवरटेक करेंगे, तो सब पंडा बोले आप करो फिर तुम जगन्नाथ जी का सेवा। दो दिन दिया इन्होंने तो पेमेंट पे लोगों को रखा, पेमेंट पे रखने वाला आदमी थोड़ी काम करता है। हुआ ही नहीं, लास्ट में गवर्नमेंट बोले ना आप लोग चले, बोले अगली बार इधर आना नहीं। भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त भी भगवान में एकदम एकदम जगन्नाथ जी उस मूड में। बोला जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र जी की जय, सुभद्रा महारानी की जय। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो देवी देवता हैं इनको जब यज्ञ करोगे तो क्या हो जाएगा? वापिस आपको मिल जाएगा। हाँ, शास्त्रों में आता है और एक श्लोक आता है जिसमें कहा है कि आप यज्ञ करोगे तो देवी देवता आपको और सब जगह संपन्नता होगी। हाँ, वो कहते ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम आस्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यः शूरो महारथो जायताम रौद्रिन् धेनु ओढाणु वाणाशु सप्ति पुरंद्री योर्धा जेष्णो रथेष्टः सभेयो युवायसे यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्य वर्षतु फलिन्यो न औषधय पचन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम समाना व आकृति समाना सुसा सतीव समान वस्तु वो मना। ऐसे ही वो बहुत अच्छा मंत्र है, ओम शांति शांति शांति, सब आपको मिलेगा। बस क्या करो, यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करो, सब होगा, आपका राष्ट्र संपन्न होगा, बहुत सारे घोड़े होंगे, राजा ढंग का होगा, सब हो जाएगा। लेकिन आप क्या करो, देवताओं को यज्ञ करो। यहां हम देवताओं को बुलाते भी है तो कैसे? गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा बैठे कि हमारे इधर चालू ब्राजील ला 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 गणपति बोलते अरे मेरे को कम से कम मेरा भजन लगा दो यार। पार्वती चा बाड़ा कुछ तो लगाओ जो मेरे नाम से कनेक्टेड हो, मेरे मेरे माता पिता के नाम से कनेक्टेड हो। ब्राजील ला ला अब नाचना तो ढंग से नहीं तो पी भी लेते हैं उसके ऊपर। अब बताओ तो भगवान बोलते क्या? अच्छा जागरण करना होता है, जब भी आप देवी देवताओं का आह्वान करते घर पे तो आपको जागरण करना होता है रात भर। अब जागेंगे कैसे, क्यों? भक्ति तो है नहीं, खेलो पत्ते नवरात्रि, फिर उसी में अभी और भी जागरण है तो मारा मारी करो थोड़ा सा तो ये स्टाइल होता है। फिर नवरात्रि में भी वही हाल, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे तो तू मेरा नौकर बन, मेरा संकट दूर करो इसलिए तो मैं आरती गा रहा हूं। अरे तुम्हारा संकट ही संसार में रहने से है, इस संसार को छोड़ के वहां चले जाओ, वहां कोई संकट नहीं, वहां वैकुंठ है, ये कुंठ है, यहां फंसोगे। उसमें भी बड़े स्मार्ट होते हैं, बोलते 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 थे कि चलते तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, कितना भाव है देखिए, बोलते तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। फिर दूसरे आगे वाले लाइन में बोलते हैं धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश। तो भक्त कंफ्यूज होते कि अभी तो बोला तेरा तुझको अर्पण, फिर बोलते वापिस दे देना। तो भगवान बोलते ये भी अगर चाहिए तो क्या करो, यज्ञ करो, जो देवी देवताओं को आहुति देते हुए उनको स्वीकार होगा तो वापिस आपको देंगे। यज्ञ भी बहुत साइंटिफिक होता है, अगर यज्ञ में बहुत ज्यादा धुआं निकला मतलब आसपास बहुत क्या बोलते हैं उसको घोषली बींग्स थे आपके यहां, वो धुआं से क्या पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। इन धुआं का जो क्लाउड्स बनता है उसे क्या बोलते हैं धार्मिक वेव्स क्रिएट होते हैं, बहुत दिया हुआ पूरा वो क्लाउड का साइंस है वेदों में। अब हो सकता है अगर मेरे को कॉस्मोलॉजी में समय मिले तो पढ़ाऊं, बहुत सुंदर है। एक तो धूप से बादल बनते हैं वो अलग चीज है, और इसके भी होते हैं, और आप जो इंडस्ट्री के कर रहे हो ना इनके बादल से तो एसिड रेन हो रहा है। हाँ, तो कौन सा धुआं बनाना है ये भी आपके हाथ में, क्योंकि धुआं तो
बनेगा। तो ऐसा है, आप चूल्हा लगाते हैं, सात्विक चूल्हा है जिसमें सात्विक खाना बनता है, उसका अलग है वाइब्रेशन होता है। अब उसी में नॉलेज पका हो गया कि कहाँ चिल्ला है उधर, कि जो दुख है उसका बनता है, उसको खाते हैं दुख होगा। नॉनवेज में खाने से दुख क्या है, वो पचे ना पचे जो प्राणी मरा है ना उसका हाई तो आपको लग जाता है। तो यज्ञ करते हो उन अनुष्ठानों को और विधिवत करना चाहिए, नहीं कि यज्ञ कर दिया अपने मन से। कुछ लोग आजकल ना वो छोटा सा, उन लोगों को बड़ा मजा आता है इफेक्ट देखने में, अग्नि हमें आहुति जलते हैं ना सर, ओम सा हटिश क्या तो लोग सोचते यही यज्ञ है, वाह मजा आ रहा है, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ में आप देवताओं का आह्वान करते हैं, आ भाई आमी आइए, आप भी आइए बैठिए, कृपा करिए, हमारा सेवा स्वीकार करिए। हाँ आपको यज्ञ भी सिखाते हैं हमारे करुणा तत्व, ये तिष्ठ ये वो सब वैसे आसन देते हैं, उनको बैठाते हैं, नैवेद्यम वो पाद प्रक्षालन जो भी है सब करवाते हैं, बैठिए है। वो मानसिक है बहुत यज्ञ में, ये नहीं कि आप मोबाइल चेक कर करते यज्ञ हाँ बोले करे चलो, ऐसे नहीं होता है, सो मन लगाना पड़ता है, मन पूरा हट जाना चाहिए। इसलिए यज्ञ का पहला शिक्षा क्या होता है, मोबाइल बंद रखिए मोबाइल बंद रखना पड़ता है, क्योंकि माइंड गए वो पूरा, वो आए आपको दिखने चाहिए, इन आंखों से नहीं मन के आंखों से दिखने चाहिए। बैठते हैं हमने जो ही बोलते बैठ जाते हैं, आपको नहीं दिख रहे लेकिन हमने बुला लिया ना, क्या करेंगे, हमने बुला लिया आ जाते हैं। तभी मजाक नहीं करना चाहिए, हंसना हंसी मजाक नहीं करना चाहिए यज्ञ के समय। तो ये दिया है, तो यहाँ पे आता है पांचवें अध्याय का, तो जो देवता है ये क्या है, तो भगवान के बिहाफ में ये सृष्टि का मैनेजमेंट करते हैं। तो इसलिए उनको भी अगर आप दे दीजिएगा तो वो जितना उनके अधिकार में उतना आपको दे सकते हैं, लेकिन गीता में भी कहा गया आगे आएगा कि वो भी जो वो देते हैं तो अल्टीमेटली भगवान के इच्छा से ही देते हैं, ऐसे वो भी दे नहीं पाते। तो इनका इनका अगर यज्ञ भी करना है तो विधि पूर्वक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मनमानी से, शास्त्र युक्त प्रमाणों से करना चाहिए और किसी ब्राह्मण या पुरोहित के गाइडेंस में करना चाहिए। जनरली वैष्णवगण ये यज्ञ नहीं करते देवताओं का, क्योंकि वैष्णव ऑलरेडी विष्णु का करते, तो देवता बोलते रहे तुम मेरी कैसे कर सकते हो ना, जैसे पुलिस कमिश्नर है उसके सामने हवलदार को आप सैल्यूट मार दो सर तो बोलता अरे मेरा साहेब है तुम कुछ है कि नहीं, भले ही वो हवलदार अपने घर पे मतलब अपने बच्चों को दिखाता होगा मैं पुलिस फोर्स में हूँ, लेकिन जब पुलिस कमिश्नर खड़ा हो तो उसके सामने थोड़ी उसका पापा, मेरे पापा ऑफिसर है उसको बोलेगा हाँ आप भी सलाम मारो करके कमिश्नर को, तो मजाक में मार देगा, लेकिन जानता है कि वो तो जानता नहीं कि मेरे लेवल नहीं, तो डेमिगॉड्स खुद जानते कि ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, हमारे से अरबों खरबों रेस्ट अरबों खरबों देवता इनके अंदर है, हम क्या है। तो जब आप बोलते हैं नहीं आप ही मेरे परम भगवान हो, तो बोलते हैं अरे मूर्ख आगे का लेक्चर सुन, उधर ही मत अटक आगे और ज्ञान लो। तो यहां पे कहा गया है पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में खोलिए तो क्या कहा गया है, निर्णायक चीज कहा गया है कि सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम दुर्गम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम जो भी कर रहे हो भगवान है। तो यहां छांडोग्य उपनिषद में, छांडोग्य उपनिषद 7:26:2 में लिखा गया है, जो प्रभुपाद भी कोट करते हैं लेकिन उन्होंने उपनिषद नंबर नहीं कोट किया शायद, छांदोग्य उपनिषद 7:26:2 में कहा गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथीनाम विप्रमोक्षः, कि जब आप यज्ञ करोगे और यज्ञ के बाद जो आपको शुद्ध किया हुआ जो आहार है वो खाओगे, तो आहार शुद्ध खाओगे तो क्या होगा, आपका जो अस्तित्व है वो भी शुद्ध हो जाएगा, और अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा तो आपके जो ब्रेन के फाइनल टिश्यूज है मेमोरी के वो और भी फाइन हो जाएंगे। इसलिए आप देखो जो ब्राह्मण गण होते हैं उनको विद्वान बहुत होते हैं, मतलब उनका टिश्यू बहुत फाइन होता है क्योंकि आहार वैसा होता है, लोग प्रसाद खाते हैं या यज्ञ को समर्पित चीज खाते हैं तो उनका फाइनल टिश्यू होता है, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए खाते तो उनका दिमाग भी कैसा होता है, दुर्बुद्धि टाइप होता है, अगले श्लोक में आने वाला है, अगले के अगले श्लोकों में। तो कह रहे हैं और देन वन कैन थिंक ऑफ लिबरेशन, अगर आप ऐसे आहार खाओगे तब क्या होगा, आपके बुद्धि में मुक्ति का भी विषय आएगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा विषय सोच रहा है तो जरूरी वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा है। इसलिए कभी कभी अगर देखो हम लोग वर्णाश्रम में क्या करते हैं, सभी को लेके चलते हैं, लाइक महिलाएं भी यज्ञ में खाना बना के पका के देती हैं, गोबर से निपोत के यज्ञ कुंड बना के देती हैं,
जो बच्चे होते हैं वो उसमें फूल तोड़ के लाके देते हैं, पापा ये कर रहे हो, और बच्चे माता पिता यज्ञ जब यज्ञ करते हैं उसका फल सबको मिलता, तो ये करने से क्या होता है, संस्कार आते हैं, अब उसका टिंज इफेक्ट यहाँ आता है, तो इसलिए सबको लिबरेशन फील होने का इच्छा आता है, मुझे मुक्ति चाहिए। और जिन्होंने सब नहीं देखा है ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए संस्कार इसी को कहते हैं कि आप खुद उसको अनुभव करिए। मैं भी एक वीडियो देख रहा था फेसबुक, एक प्रभु जी हैं अपने बच्चों को ऐसे लेके नरसिंह वो करके सिखा रहे हैं, मंत्र बोल बोल के वो तुलसी पत्र और फूल दे रहे हैं नरसिंह, और बोलते हैं बेटा बोलो ओम रीम ग्रीम ओम उग्रम विरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम मंत्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम नरसिंहाय नमः। तो बोलता है चलता उन्नतिगान्तमा उन्नतिगान्तमा, अब बोल रहा है लेकिन आगे देखे इसको क्या होगा कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ये ऐसे होता है कल्चर। हाँ पता चला आप मस्त आजकल के पप्पा इतना पेग मारते हैं, बोले बेटा हाँ ले तू भी ले थोड़ा और कुछ नहीं हो हमारा बेटा है हम तो जाएंगे नरक उसको भी ले जाएंगे अकेले तोड़ जाएंगे सब लोग जाएंगे आखिर साथ में ही रहना है कैसा। तो ये हो गया 12वां श्लोक खोलिए। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अगर तुम देवताओं को दोगे तो देवता तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन तुम उसको भोगते हो अकेले भोगोगे तो क्या कहलाओगे, चोर कहलाओगे। ये तो आप लोगों ने ईशोपनिषद में पढ़ ही लिया होगा। क्या पढ़ा है, दूसरे का कोटा लोगे तो पाप लगेगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितामाकृतकस्य सुन्दनं मन्त्रे कैवो। कहते हैं कि अगर आप दूसरे का कोटा लोगे तो आपका कोटा रखा हुआ है, दूसरे का लोगे तो पाप लगेगा। आप देवताओं से ले रहे हो और उसको अकेले ही भोग रहे हो तो दिया किसने, आपका देवता ऋण हो गया, तो आपको उनको देना चाहिए। तो इसको कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं मीट ईटर्स, हाँ जो नॉनवेज खाते हैं वो किसको, वो भी खा सकते हैं, किसको पूजा करते हैं वो काली को। तो चलो अगर तुमको खाना भी है तो उसका भी विधि है, काली को जाके वहाँ अर्पण करो और पहले उस जिसको काट रहे हो खस्सी को उसको कान में बोलो मांसहा, इसलिए नॉनवेज को मांस बोलते हैं, मांसहा मैं तुम्हें खा रहा हूँ और तुम मुझे खाओगे जानते हो मैं तुम्हें काट रहा हूँ, तो वो जाके काटता है, तो कम से कम वो विधि पूर्वक हुआ। जैसे इस्लाम में भी करते हैं ना, वो काटते हैं बोलते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कि मैं अल्लाह के नाम पे तुम्हें काट रहा हूँ, तो उसमें भी नियम है हलाल और हराम होता है। हलाल यानी जो अल्लाह के ऐसा करके काटा जाता है नियम से, हराम मतलब जो डायरेक्ट काट लिया जाता है, हराम खाना पाप है। और तो हलाल क्या है वो सुन लीजिए, पहले मस्जिद के सामने जाना है, मस्जिद के सामने जाके उसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खुद के अपने हाथों से काटना है और उसके 7 टुकड़े करने, कितने 7 6 बांटना है फिर एक लेके जाना है, वो होता है हलाल। तो ये लोग जो घर पे काट के अकेले खा रहे हैं वो क्या है, हराम। ऐसा एटलीस्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो समझ में आता है। बाकी जैसे हम लोग भी अपना जस्टिफिकेशन देते तो वो भी अपना जस्टिफिकेशन कुछ दे ही सकते हैं, तो ये डिफरेंस है। तो जो गुडनेस में है, जो सत्वगुणी है, वो विष्णु की आराधना करते हैं, वो ये सब काम नहीं करते। तो जो नॉर्मल जीव है, जो बद्ध जीव हैं, जो देवी देवता ही मानते हैं या उनको कर्मकांड में लगे हैं या फलश्रुति में लगे हुए हैं, इनके लिए पंच महायज्ञ कहा गया है गृहस्थों के लिए। कौन से पंच महायज्ञ कहे गए हैं, तो पितरों के लिए यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञ, देवताओं का पूजा, वेदों की वेद रटने को कहा गया है, यानी वेदों के वाणी को बोलने को कहा गया है, फीडिंग ह्यूमंस जो मनुष्य उन्हें खिलाना, और जो गरीब है या जरूरतमंद है उन्हें भी खिलाना, दूसरों को भी
जो और भी लिविंग एंटिटीज है, कुत्ता बिल्ली पशु इत्यादियों को भी खिलाने, पांच महायज्ञ कहलाए जाते हैं। तो ये ऑर्डिनरी जो व्यक्ति है इनको ये करना चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो देवता हमें क्या क्या देते हैं? बारिश देते हैं, बारिश देते हैं, धूप, धूप, चंद्र का लाइट, सनलाइट, ये ग्रेन्स, या सब्जियां, ये वायु, ये सारे देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हीट, लाइट, वाटर, फूड, ग्रेन्स, और ये सारे देवता देते हैं। और ध्यान से रखो, जी, जो हम लोग कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं ना, वो इनमें से एक भी नहीं कर सकते। आप दूध बना सकते किसी कंपनी में? कैंसर हो जाएगा पीलोगे तो। आप सूर्य किरण बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप लेजर लाइट बना सकते हो, लेकिन सूर्य किरण नहीं बना सकते। तो जो भगवान ने बनाया है ना, वो आप कभी नहीं बना सकते। आप शक्कर बना सकते हो, लेकिन उसके मिठास में और एक नॉर्मल गन्ने के जूस के मिठास में फर्क होता है। शक्कर खाने से डायबिटीज होता है, गन्ने का जूस तुम दिन में 10 लीटर पी लो तुम्हें डायबिटीज नहीं होगा। तो भगवान ने एग्जैक्ट शुगर कंटेंट रखा हुआ। आपको मनुष्य को जितना चाहिए उतना ही शुगर कंटेंट रखा हुआ। देखो एप्पल खाओगे आप, एप्पल कितना खा सकते हो जानते हो? एप्पल या बनाना या जो भी फल है वो कितना खा सकते हो? पेट भरने तक खा सकते हो, आपको यहाँ गिर गिर नहीं होगा। लेकिन रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो हम बनाते हैं, ये जो शक्कर से बनाते हैं, देखो यहाँ से ऐसा, मतलब एक 10-12 खा लो ना उसके अंदर खुखू आता है, सर ऐसा लगता नहीं चाहिए, पेट भले ही भरा ना हो। तो ये फर्क है, भगवान जो नेचर में बनाते हैं उसका शुगर कंटेंट जो भी उसका कंपोनेंट है वो परफेक्ट रूप में उधर रखा हुआ। लेकिन हमारा क्या, अपने अपने बुद्धि से, हाँ हम लोग आजकल देखते हैं रियल जूस, नाम होता है रियल, अंदर में होता है नकली। दुनिया ऐसी बनी हुई है, जूस नाम का, नाम रियल है और जूस नकली है। तो उसमें लिखना चाहिए नकली रियल जूस। रियल कंपनी का मालिक खोजेगा मेरे को, पहले तो मैं उसको धोऊंगा, वो मुझे क्या धोएगा। तो ये कहा गया, फिर आइए तीसरा देखा, 13वां श्लोक खोलते हैं। ये 13वां श्लोक रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ शिष्टा सिंहासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय गुंजते तेतु अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अभी तक वो देवताओं की बात कर रहे थे बराबर, और एक साधारण व्यक्तियों की बात कर रहे थे। यहाँ हम इमीडिएटली भक्त कहाँ से आ गए, रहा ही नहीं जाता भगवान को, चालू हो जाते अपना काम। भगवान चाहते भाई ड्यूटी बोलो तुम, हाँ, क्योंकि बाकी इसमें क्या देवी देवता देते हैं, लेकिन तुम ऋणी भी हो। यहाँ देखो पापों से ही मुक्त हो जाओगे क्या करके। तो ये भक्तों का बात किया गया, कैसे पता चलता है? संत शब्द देखे वहां पे, क्या शब्द है? संत, संत है। भगवान के सभी प्रकार के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख को के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहां से पता चलता है कि आप अपने इंद्रिय भोग के लिए खाओगे तो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। और यही आप भगवान को भोग लगा के खाओगे तो क्या हो जाएगा? पाप से मुक्त हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, वो आपके शुद्ध करेगा, आहार शुद्ध है वो। तो कलयुग में क्या है, आप वो यज्ञ वगैरह करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में लोग यज्ञ नहीं करते आजकल। तो कम से कम भगवान का फोटो ही है, हम छोटे ठाकुर जी आपके घर में है, सीताराम है, लक्ष्मी नारायण है, या राधा कृष्ण है, तो क्या करिए, इनको नैवेद्य दिखाइए। तो याद रखिए शुद्ध आहार होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये सब ऐसे सात्विक आहार खाइए, सात्विक आहार बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, और फिर आप आराम से पाइए, कोई टेंशन नहीं है। आपने भी ले लिया, भगवान थोड़ी चाहते कि आप भूखे मरो, भगवान उनको दे दिया, आप भी ले लिए, भगवान खुश। तो बहुत आसान है, भोग कैसे लगाते हैं, थाली में लीजिए, सबसे पहले किसको खिलाना है? भगवान को खिलाना, आपको नहीं खाना है, फिर वो तो शबरी वाला भाव हो तो खिलाइए, लेकिन आप नहीं खिला सकते। मैं हमारे गुरुदेव के अंडर काम किया था भुवनेश्वर पूजा वृंदावन में, 40 साल से वो राजभोग बना रहे, छुट्टी नहीं लेते कभी। एक बार मुझे टेम्परेचर आ गया था, तो मैं सोचा आज छुट्टी देंगे गुरुदेव, मैं गया, बोला गुरुदेव थोड़ा टेम्परेचर है, कोई बात नहीं, बोले इधर आओ, पानी में घोल के डिस्प्रिन पिला दिया, बोले अब ठीक हो जाएगा, कट सब्जी। बोले फिर एक बार साफ सफाई करते करते यहाँ उंगली कट गया था, तो खून आ गया था, तो मैं बोला गुरुदेव, मैं बोला चलो इसी बहाने थोड़ा छुट्टी मिलेगा,
गुरु तो पहले कुछ नहीं धरा, उन्होंने जेब से फेविक्विक निकाला उधर लगा दी, बोले अब खून बाहर नहीं आएगा गुरुदेव। तो जिसको सेवा करना है वो कहीं भी किसी भी इसमें सेवा करता है, जिसको नहीं करना वो कारण दो खोजता है। तो यानी उसमें गुरुदेव का बस कैसे चला गया, उनकी मेमोरीज में चला गया मैं क्या पॉइंट। हाँ तो भोग कैसे लगाते हैं, तो जब आप जो बनाते हैं उसमें शुद्ध चित्त होना चाहिए और आपको सात्विक आहार बनाना चाहिए। और कुछ तो बोल के मैं गुरुदेव को बोला था लेकिन अब भूल गया हूँ। तो उनको आप भगवान को वो एक अलग से था पहले कौन खाएंगे भगवान। हाँ तो मैं गुरुदेव को इसलिए याद किया था क्योंकि कभी कभी गुरुदेव बोलते थे उनको पता नहीं चलता था ये सोडा है कि वो नमक है, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था। और गलती से ना जो साफ सफाई करने वाला है वो कभी कभी ऐसा पोछ देता तो नाम जो था ना उसके ऊपर लिखा हुआ मिट जाता था। वो मूर्ख मैं ही था पर है इसमें से कौन सा है, बोला गुरुदेव पता नहीं चल रहा है इधर आ खा के देख, बोला गुरुदेव अभी भोग अभी खा नहीं तो भगवान को खो के सोडा चला जाएगा। तो इसमें आटी उसको आटा हमेशा वो भाव अलग है जो 40 साल सेवा करिएगा तब करने के बाद ये अधिकार आ सकता है। परंतु हमें बहुत हमेशा समझना कि भगवान प्रथम है, तो प्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और प्यार से भगवान को अर्पण करके बोलना चाहिए प्रभु मैं तो बद्ध जीव हूँ, ये भी जो खा रहा हूँ ये सब आप ही का दिया हुआ है और आप बस प्रेम पूर्वक पाइए ये हमारी इच्छा है। घंटी बजाइए, नहीं आता तो बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आता है तो आप नमो विष्णु पदाय प्रभुपाद जी को अपने गुरु को याद कर सकते 3 बार मंत्र बोल के, जैसे समझो आपके गुरु लोकनाथ स्वामी महाराज है तो बोल सकते हैं नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नीति नाम से 3 बार बोल के अपने गुरु को प्रणाम करके उनको कर सकते हैं। या आपके गुरु भक्ति राघव महाराज है तो आप कह सकते हैं नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामी नीति नाम से अपने गुरु को प्रणाम करते 3 बार उनको प्रणाम करते हुए आगे जाना है। फिर उसके बाद अपने परम गुरु प्रभुपाद जी को याद करना है नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण इंद्रिय विशेष शून्य आदि पाश्चात्य ऐसे बोल देना है। ये मंत्र हो गया, ये 3 बार बोल देना है। ये प्रणाम करके उन गुरु को बोलना है कि मैं तो शुद्ध नहीं हूँ परंतु जो भी मैंने प्रयास किया है कृपया करके ये भगवान के चरणों में अर्पण करिए। तो उसके बाद क्या होता है जो हम हमारे अंदर में कलमश हो तो वो दोनों गुरु इधर ही निकाल देते हैं और भगवान की तरफ जो है वो भोग शुद्ध रूप में जाता है। फिर हम चेतन महाप्रभु बोलते हैं कि प्रभु आप ही के आदेश में हम कलयुग के पापी लोग ये सब कर रहे हैं तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत्विषे नमः। इसको 3 बार बोलना है कि महावदन्याय आप तो कृपा करिए। महाप्रभु बोलते कोई बात नहीं आगे प्लेट। फिर उसके बाद क्या होता है हाँ उसके बाद हम लोग राधा रानी को मन में प्रार्थना करते हैं कि आप ही भोग लगाएं और कृष्ण को बोलते हैं ए भाई खा ले। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को 3 बार बोल सकते हैं और फिर पंचतत्व को याद करते हुए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद बोल के 3 बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये भोग के मंत्र में बना के हो सकता है आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप से भेज दूं ताकि जो लोग भोग नहीं लगा रहे हैं वो इस प्रकार से लगा सकते हैं। याद रखिए प्याज लहसुन तमोगुणी आहार है, इसे भगवान विष्णु के थाली में नहीं दिया जाता। आप जहर खा सकते लेकिन भगवान को मत दीजिए ठीक है जा। और जो फिर वो नहीं खाते तो वो प्रसाद भी नहीं बनेगा तो वो भी मत खाइए। वो खाइए जो आहार शुद्ध है। कई लोग बोलते हैं लेकिन लहसुन में तो दवाई के गुण होते हैं। लहसुन में दवाई का गुण है, जब डॉक्टर दवाई के रूप में दे तो खा लेना लेकिन वैसे मत कहो। मुझे खुद याद है 1.5 साल पहले मुझे पेट में प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ही बुरा हाल हो गया था तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया तो दवाई खिलाते मैं बोला कुछ लहसुन सा लगा। मैं डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोलते नहीं लहसुन की ही गोलियां हैं इससे तुम्हारा पेट ठीक होगा। खाया मैंने 6-7 दिन खाया फिर ठीक हो गया। तो दवाई के रूप में खाना अलग चीज, जैसे आपके कफ सिरप में अल्कोहल होता है इसका मतलब थोड़ी कि प्रभु अल्कोहल अलाउड है ऐसा नहीं होता है। वो कफ सिरप दवाई का रूप है, आप दवाई के भाव में खा रहे हो तो वो अलग चीज होगा। उसके लिए पियोगे तो कफ नहीं परमानेंट कफ हो जाएगा तो ऐसा है। तो सात्विक आहार भोग लगाना चाहिए और फिर उसे प्रसाद लिख के रूप में लेना चाहिए। तो यह कहा गया है तो यहाँ संत शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि भक्त को ही संत कहा जाता है
तो वो ब्रह्म संहिता में उसका वर्णन आता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुण अचिंत्य स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में आता है। तो ये कहते हैं कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, मेरे जो भक्त हैं इनके लोचन कैसे हैं, प्रेम से भरे भरे हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि इस प्रकार से आप करेंगे तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। कोई बोलेगा प्रभु जी, कोई बात नहीं, आगे कोई क्लास नहीं। कोई बोलेगा प्रभु जी ये पेड़ पौधे जो इनमें भी जीव हैं, प्राणियों में भी जीव हैं, तो पेड़ पौधे कैसे खा सकते हैं हम पौधों का? तो देखिए ऐसा है कि जीवो जीव से जीवनम, हर जीव एक जीव के लिए बना है। आपका बाग आके कभी आम और वो खाया क्या, एप्पल? नहीं खाया, तो उसको वो आपको खा सकता है, वो खाने दो। जो बकरी है वो कभी भी किसी प्राणी को खाई है क्या? नहीं, वो घास खाती है, उसको खाने दो। तो हर जीव का एक भोजन है, तो मनुष्य के लिए ये आहार रखा हुआ है, ग्रेन्स लीफी वेजिटेबल्स ये सब आप खा सकते हैं। लेकिन प्राणियों को पाप नहीं लगता उनका खाने में, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट से जीते हैं, मनुष्य को बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, तो वो जानते हुए कि ये मेरा नहीं है फिर खाएगा तो पाप लगेगा, इसलिए मनुष्य को भोग लगाना चाहिए। अब उसमें भी होता है मिनिमम सिन साइकिल, ये मिनिमम सिन साइकिल समझिए, पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के श्लोक 21-22 में आपको मिलेगा, 20-21-22 में ऋषभदेव समझाते हैं कि जड़ वस्तु से बड़ा है चेतन वस्तु, यानी जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ये इनसे चेतन होते रेंगने वाले प्राणी, जो सांप इत्यादि रेप्टाइल्स, इनसे चेतन होते हैं, सॉरी इनसे ये माफ करिए, जड़ से चेतन होते हैं प्लांट्स, प्लांट्स प्लांट्स से होते हैं कीड़े, कीड़ों से चेतन होते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से चेतन होते हैं चार पद एनिमल्स, फोर लेगेड एनिमल्स, चार पद पशु, और फिर द्विपद पशु, द्विपद, द्विपद में कौन आते हैं? हम सब आते हैं, तो मनुष्य आते हैं। फिर उसके ऊपर होते हैं राक्षस, अब ये राक्षस इधर वाले नहीं होते, जो राक्षस अंतरिक्ष में रहते हैं उनका कॉस्मोलॉजी में पढ़ाऊंगा, वो उनके पावर्स हमसे ज्यादा होते हैं, तो राक्षस, वो उनसे सुपीरियर होते हैं देवता, देवताओं में इंद्र, इंद्र से बड़े ब्रह्मा, ब्रह्मा से बड़े शिव जी, शिव जी से भगवान विष्णु कहते हैं मैं, और मुझसे बड़ा ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो सब कुछ जान चुका है। तो अब इसको बोलते हैं हायर कॉन्शियसनेस, चेतना बड़ी है, तो जितने बड़े चेतना का हत्या करोगे उतना बड़ा पाप लगेगा। तो मिनिमम सिन साइकिल, कम से कम पाप करके जियो। जैसे इस रूम में मैं बैठ के लेक्चर देना चाहता हूं, तो मिनिमम हिला डुली किए हुए करने से शांति से हो जाएगा। सब कुछ हिलाने लगूंगा तो पता चला मेरा भी दिमाग घूम रहा है, अब गरम गरम लेक्चर दे रहा हूं मैं हैवी हैवी, समझ रहे हो? तो कम से कम पाप करना चाहिए। तो अब इस पूरे साइकिल में सबसे कम क्या है? जड़ वस्तु खा लो, पत्थर खा सकते हो, लेकिन जो धन धान्य धान्य वगैरह है, धान्य या फल रूप में आ जाता है उसका, वो खा सकते हो, और उससे भी ज्यादा पालक वगैरह खाना है तो भी खा सकते हो, ये आपके लिए रखा हुआ कोटा, कोटा आपका है, मनुष्य का कोटा है। अब लोग वो डिबेट करते हैं ये कैनाइन टूथ है तो वो है, फलाना है, ढिमका है, पचा तो तुम सब लोगे लेकिन पाप जरूर लगेगा, कुछ लोग पचा लेते हैं, अभी वृत्रासुर था तो आदमी खा लेता था, तो पचाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पचाना ही क्वालिफिकेशन नहीं, आप क्या खा सकते हो। कुछ ऐसे भी लोग जो पत्थर पचा सकते हैं, पत्थर खाने खाने के लिए नहीं होता है, वो क्या कर रहे हैं अब है ना यहाँ क्लास में। तो ये फर्क है, तो यहाँ पे ये कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है गृहस्थों को, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, थोड़ा इसमें नीचे वालों का भी विचार करते हैं, वो जो सब बहुत नीचे भक्त नहीं है उनका विचार करते हुए कहते हैं कि जो गृहस्थ स्वर्ग जाने की आशा करते हैं और पापों से मुक्त होने का विचार रखते हैं, उन्हें वैश्वदेव यज्ञ करना चाहिए और उसका अर्पण खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है, तो उनको वो करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि दोपहर के समय आपने जो जो बनाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के आपको अर्पण करना है। किसको अर्पण करना है? देवताओं को अर्पण करना है और अग्नि को अर्पण करना है। आपने देखा है कभी कभी लोग खाना खाते हैं ना, तो खाते खाते थोड़ा निकाल के ना साइड में रख देते हैं और वो पानी लेके ऐसा करके उन देवताओं को याद करके फिर खाते हैं, क्या है क्या वो खाते हैं, ठीक है? तो वो क्यों करते हैं? वो उनको जाता है
अब ये मॉडर्न साइंस के मूर्ख लोग क्या करते मालूम है, बोलते यू नो व्हाई दे डू लाइक दिस, बिकॉज द बैक्टीरियाज विल कम देयर एंड अटैक एंड दिस विल बी ओके। अबे हराम को बैक्टीरिया इतना बड़ा क्यों छोड़ेगा, वो छोटे में कहीं जाके खाएगा कुछ भी। ये मॉडर्न साइंस क्या करते ना, हमारे वैदिक, हमारे मूर्खी है जो वैदिक लोग हैं उसी को ऐसे लेके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं व्हाई दे वर्शिप तुलसी, बिकॉज तुलसी गिव्स द बेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। कौन बोला, किधर लिखा है शास्त्रों में तुलसी बेस्ट ऑक्सीजन देती है, तू ही कुछ लोग खुजली करके लिख दे रहा है। तो हमको ना ये नहीं कभी सोचना चाहिए नहीं हमारा मॉडर्न साइंस से मैच होता है कि नहीं, अरे गड्ढे में जाए मॉडर्न साइंस, उसका मैच होता है तो हो, नहीं तो तू गड्ढे में जा, हमको कोई लेन देन नहीं। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नमः, तुलसी कृष्ण को प्रिय है तो मैं भी उसके आगे पीछे नाचूंगा। अब उसमें ऑक्सीजन आए या कल उसमें से जहर निकले। अब शिवजी का जो प्रिय है वो तो धतूरा है, तो भक्त जाते हैं धतूरा को प्रणाम करते हैं शिव जी के भक्त। अब धतूरा तो विष देता है, अब बोलो लो कल्लो पात कंटाप पेल देंगे साईं। ठीक है, तो ये प्रकार कहा गया। तो अब कैसा कहा गया है कि जो पाप गृहस्थ, कौन से पाप करते हैं जिसके लिए ये प्रायश्चित कहा गया है, ये कार्य कहा गया है? तो गृहस्थ होते हैं वो झाड़ू मारते हैं ना, तो झाड़ू का पाप लगता है। झाड़ू का पाप कौन सा, मकड़ी का जाल आप तोड़ देते हैं, या कहीं किसी का मिट्टी चींटी का कोई घर बना होता है या कीड़े मकड़ा घर तो आप साफ कर देते हैं, तो झाड़ू का पाप लगता है। ग्राइंडिंग मॉर्टर जो आप वो सिलोट होता था ना पहले, आजकल तो मिक्सर आ गए, आजकल मिक्सर है तो अंदर में तो होगा ना कुछ, सिलोट पीसते हैं तो क्या होता है कभी कभी जो भी धनिया पत्ता या जो भी उसके अंदर भी तो कुछ होता है तो आपके हाथ से उनका मृत्यु होता है। हाँ, फिर जैसे आप डोसा बनाते हैं, यो डोसा जे तो उसे फर्मेंटेशन का मरने का जे तो उसका कहाँ जाने का जे उसके लिए ये सब करने का थोड़ा थोड़ा निकाल के देवताओं को नमस्कार आइयो ने तो पापा। तो कहते हैं विष्णु स्मृति में आता है 59.18 में, यही चीज मनुस्मृति में भी आता है और शंख स्मृति में भी आता है। कदानी पेशानी चुरली उदका उदकुंभी च मार्जानी मार्जनी पंच शून गृहस्थस्य ताभि स्वर्गम नविंदति। द गृहस्थ डज नॉट एंजॉय स्वर्ग, ऐसे गृहस्थ को स्वर्ग नहीं मिलेगा जो ये पाप पाप कृत्य करता है और उसका प्रायश्चित नहीं करता है। कौन से पाप कृत्य करता है, एक तो जो सिलोट बोला मोर्टर, सॉरी ग्राइंडिंग स्टोन जिसे हम करते हैं, मोर्टर यानी वो उखल जिसमें हम लोग नहीं वो धान कूटते हैं या मसाला कूटते हैं उसमें तो जीव हानि होता है, स्टोव या चूल्हा अग्नि जलाते हैं वो, द ब्रूम झाड़ू एंड वाटर पॉट पानी, पानी का मटका। तो पानी का मटका में यही है कि अब क्या बोल सकते, उसमें क्या होता होगा, कुछ तो होता होगा, हाँ ऐसे ही कुछ तो वाटर पॉट का भी है तो होगा भी उतना, क्योंकि हम उस कल्चर से बिलोंग उतना अभी उतना जिया नहीं तो शायद उसका। तो ऐसा तो पांच चीजों से बचना है। हरे कृष्ण। तो अभी जो है 14, 15 और 16 तीन श्लोक फटाफट हो जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, मैं इसका ज्यादा परपोटी नहीं दूंगा मुझे खत्म करना है, तुम चाहे मानो ना मानो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप जा सकते हो। ठीक है, 14वां बोलिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञादोति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे समझाया गया है कि कहाँ से क्या आता है, कहाँ से क्या आता है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि। तो जीव है वो किस पे आधार अपना जीवन जीते हैं, अन्न पर। पर्जन्याद अन्न संभव, बारिश आता है तब अन्न बनेगा, बारिश नहीं आएगा तो कोई खेती होगा नहीं। यज्ञात भवति पर्जन्यो, आप जब यहाँ यज्ञ करते हो, ओम इंद्राय स्वाहा इदं नमः, ओम चंद्राय स्वाहा इदं नमः, तो क्या होता है, बारिश आता है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, ये यज्ञ कहाँ से आता है, यज्ञ कर्म समुद्भव, आप जो ये विहित कर्म करते हो इसी के माध्यम से ये होता है। कौन सा विहित कर्म,
जो भी आपके वर्णाश्रम में स्थित होते हुए आपके कर्तव्य हैं, जो भी कर्तव्य आप कर रहे हैं वो करोगे तो ही ये खाना मिलेगा। इसका मतलब अर्जुन तू लड़ाई नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए अर्जुन तू लड़। ठीक है, तो ये आ गया 3.14। तो ये साइकिल मैंने आपको बता दिया। मनुस्मृति में तो ऐसा कहते हैं लिविंग एंटिटीज, इसमें दोनों साइकिल के लिए थे, पापी लोगों के लिए और पुण्यवान दोनों के लिए साइकिल है। अगर कोई वेज खाता है या भक्त है तो क्या है, उसके लिए भी ये साइकिल है। ऐसे थोड़ी कि आ जाएगा डायरेक्ट उसके थाली में ये साइकिल। तो वो जो भक्त है तो उसको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी संकीर्तन यज्ञ कर रहा है, नाम जप कर रहा है, या अगर वो किसी और युग का भी है तो बाकी यज्ञ करेगा तो भक्त है। लेकिन जो अभक्त है उसको भी यही साइकिल से को स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर नॉनवेज भी खाता है तो नॉनवेज किस पे, जो बकरी खाएगा तो बकरी किस पे जीती है, घास पे जीती है, तो घास कहां से आता है, बारिश, तो डिपेंडेंट है। अच्छा, जो जो यज्ञ करने वाले वो भी दो प्रकार के हैं, देवता वाले भी और विष्णु वाले भी, तो दोनों को भी यज्ञ करना पड़ेगा, मतलब यज्ञ करना ही पड़ेगा। और जो दोनों के प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं यानी दोनों के नियत कर्म है वो क्या है, ऑलरेडी भक्त जो है वो आदर्श स्थापन करने अपने कोई भी कार्य को नहीं छोड़ता। अगर किसी का पिता है तो पिता कार्य करता है, भक्ति करना अलग चीज और ये कार्य अनासक्त होते हुए करता है। और यही चीज जो देवता का सकामी या कर्मकांडी है वो आसक्त होके करता है, पर वो भी करता है। बात समझा? मनुस्मृति 376 में कहा गया है, वो पूरा श्लोक है, उसमें कहा गया ऑब्लेशन ऑफर टू फायर गोज टू सन, जो आप अग्नि को देते हो वो कहाँ जाता है, सूर्य को जाता है। एंड रेन अराइजेस फ्रॉम सन, और फिर रेन उससे आता है। एंड रेन गिव्स फूड, फूड गिव्स प्रोजेनी। ठीक है, 15 को लिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम असमुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन वेदस, जो वेदों में पूरा दिया गया है, विच आर मैनिफेस्टेड बाय लॉर्ड। तो वेद कहां से आते हैं, भगवान से आते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ऑल परविडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटरनल सिचुएटेड इन द एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, जो आप कार्य करते हो सैक्रिफाइस का उसी में भगवान समाहित होते हैं। तो जो वेदों के मार्ग में काम करता है वो कर्म कहलाता है, और वेदों के वीत करोगे तो विकर्म कहलाता है, जो पाप होता है। तो वीत नहीं करना चाहिए, वेदों के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि वेद जो है वो भगवान के सांस से आए हैं। इसका प्रमाण है बृहदारण्यक उपनिषद दूसरा 2.4.10, उसमें कहा गया है अस्य महतो भूतस्य न शाश्वतम एतद्यत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वाण गिरीशः। फोर वेदास ऋग यजुर् साम अथर्व आर ऑल एमिनेशंस फ्रॉम ब्रीदिंग ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान के सांस से ये आते हैं, इसलिए इनका अनुगमन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब आप कहोगे भगवान अग्नि के माध्यम से कैसे खाते हैं, तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्रिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति और क्या गया, चलो जो भी है। तो कह रहे हैं कि ये जो आपके जो इंद्रिय हैं भगवान के वो ओमनीपोटेंट है, वो आंख से खा सकते हैं, वो सिर्फ ग्लांस करते हैं और प्रकृति को उत्पन्न कर देते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं बाय एनीथिंग। ठीक है, ये उनकी शक्ति है, ये हम नहीं कर सकते, भगवान कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक ले लीजिए तो हमारा ये हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.10 4.5.11 चेक करना पड़ेगा, ये मैंने इनसे लिया है, बलदेव विद्याभूषण क्या लिखा है। हाँ, तो एक काम करना, ये मेरे से ना अभी आके चेक करेंगे इमीडिएटली, हाँ उपनिषद में, क्योंकि मैं बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री देखा उसमें था। ठीक है, चेक कर लूंगा, आपको मिलेगा रेफरेंस, हम उसको अगर ये सही होगा तो ये रहेगा। वो कभी कभी होता है कि वो कौन सा वर्जन रेफर करते हैं कभी कभी, क्योंकि
जो उपनिषद होते हैं बृहदारण्यक में, जो वल्ली है या प्रपाठक है, वो कई कई के अलग अलग होते हैं। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ के जो अपने पास वर्जन उसको देखेंगे। ठीक है, 3.16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे प्रकार आप काम करोगे तो आप स्वार्थी जी रहे हो। आत्मन्येव यानी एंगेज्ड ओनली इन आत्मा। ये सॉरी, ये मैंने 17वां ले लिया, 17वां। तो कह रहे हैं ऐसे आप करोगे तो आप हो जाओगे। तो यहाँ पे एक सिद्धांत का खंडन किया गया है। वो सिद्धांत ये है कि लोग कहते हैं, प्रपद बोलते हैं कि सिर्फ मेहनत करो, मेहनत ही भगवान है। भगवान बोलते हैं पाप है। ये सारा जो सिर्फ मेहनत की बात हो रही है, वो तुम्हारे मन घड़न, तुम्हारे मन में कोई तुमने कर दिया है कि मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा ये मेहनत है तो मुझे करना चाहिए, तो आप ही खुद उसमें लगे हो। तो वो एक घोड़ा डिम्बा है, घोड़े का अंडा। घोड़े का अंडा होता है क्या? नहीं। वैसे आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे हम 9:30 बजे मिलेंगे अगले सत्र में, और इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। शुभ प्रभात।